तो ये है भाई मेरा छोटा सा घर जो मैंने आपको दिखाना था, मैंने कहा था घर तक पहुँचेंगे तो फिर उसके बाद फिर आपसे मज़ीद बात करेंगे। तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो एनी थिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग अबाउट टू माई दिस जर्नी लाइक नाइजीरिया लागोस जर्नी, सो यू कैन कमेंट्स, क्योंकि नाउ आई एम डूइंग द इंटरनेशनल ब्लॉग्स like make different countries, so people mostly knows the English, and by the grace of God now I know a little bit English, I can say a little. So why I say it's because of the flood of the water in the estate. That's why we used to come out of the pond when the rain started. That's why. हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज सुबह सुबह बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो ऑफिस का प्लान किया कैंसिल और प्लान कर लिया कि यहाँ पर हम रेन एंजॉय करेंगे। मौसम आपके सामने है और ये है हमारी सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं, ये हमारी सोसाइटी है हमारी, तो मैं रहता हूँ तो इसका मतलब मेरे एक घर मेरा है, सोसाइटी तो पता नहीं किसकी है। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ जॉक नॉट जोक, जॉक बेसिकली। यहाँ पर इंग्लिश का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा चेंज है। वो किस तरह से चेंज है, यहाँ पे अफ्रीका में एक अपनी पिजन इंग्लिश है, पिजन इंग्लिश। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल इंग्लिश से चेंज है, पिजन इंग्लिश टोटली चेंज है। यहाँ पर किस तरह से इंग्लिश बोली जाती है, जैसे नॉर्मली हम पूछते हैं कि हाउ आर यू, सो दीज गाइस से हाउ यू दे, how you they, and the reply is I they fine, and mostly we just say baba kaisa hai, kaise ho, is tarah se hum log poochte hain. So these guys say afa, so normally how you doing means afa. So this is the some of the pigeon English words. So ab jab maine dekha ki yaar aaj aate hain apne topic par, why I am doing this vlog today. Yahan par rain, टू मच रेन मोस्टली, जो हमारे यहाँ रेन होती है तो हम लोग सी वी ओ का चक्कर लगाते हैं, सो मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट यू नो पकौड़ास इन होम, और वी कॉल्ड बाबा सिस्टर टू मदर एंड एवरी वन के पकौड़े बना लो हम आ रहे हैं। यहाँ ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, यहाँ का सिनेरियो टोटली चेंज है। वो क्यों चेंज है कि जब यहाँ पर बारिश होती है तो लोग, यहाँ पर जब बारिश होती है तो मोस्टली क्या होता है कि एक तो पानी, इतना ज़्यादा पानी जमा नहीं होता, ये एक बहुत अच्छी बात है अफ्रीका की। क्यों? क्योंकि यहाँ सोसाइटीज़ में ही जंगलात बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ जैसे ही बारिश होती है लोग घरों में चले जाते हैं, उनको नहीं निकलना होता। मैं अपने बिल्कुल सामने का एक मंज़र दिखाता हूँ, ये हमने बैक कैमरा किया, ये देखें, ये हैं प्योर जंगलात और खूबसूरत से पेड़ पौधे ये सब चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं, और कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये पूरा लंबा एक दूर दूर तक जंगल है, ये सोसाइटी के अंदर का हिस्सा है, ये कोई ऐसा नहीं कि सोसाइटी के बाहर का हिस्सा हो, ये सब सोसाइटी के अंदर का हिस्सा है। तो लोग यहाँ पे घरों में चले जाते हैं, इस टॉपिक पे वापस आते हैं, क्यों चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेन होती है, तो इस वजह से लोगों को, लोग यूज़ टू हैं इस चीज़ के कि यार क्या करेंगे हम, मतलब रेन में जाकर पीपल। तो ये सब चीज़ें जो है ना, बस मैं ये बता रहा था। और यहाँ पे देखें चुड़िया, चले हम पहले जाते हैं यहाँ पे, देखें इस तरीके से मार्ट, सोसाइटी के अंदर एक मार्ट दिया हुआ है, इस तरह से मार्ट है, और उसके बाद हम चलेंगे वहाँ पर थोड़ा सा एरिया में, तो इनके बारे में बताता रहूँगा। लेकिन यार बस मैं बताऊँ खूबसूरती जो है ना, आप चेक करो बस खूबसूरती, ये है अफ्रीका। तो हम पहले मार्ट में चलते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दिस इज़ द मार्ट, और चेक करें आप, यहाँ पर इस तरह से चीज़ें मिलती हैं। ये इनके कोई मशहूर पकौड़े समोसे टाइप की कोई चीज़ है, ये इनके बारिश में मोबाइल गीला हो रहा है। और ये देखो भाई, यहाँ पे मेडिकल स्टोर भी होता है, हर चीज़ होती है, और जो अपना जो फ्रिज वगैरह है वो भी उन्होंने ऐसे रखे हुए हैं। लाइट का बड़ा वो है, ये देखो
अफ्रीका मामा एटीएम और यहाँ पे इस तरह ले लें भी यहाँ पे देखें मार्केट में इस तरह की तरह चॉकलेट वॉकलेट मिलती है, बिस्किट मिलते हैं और ये सारी चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ ले सकते हैं लेकिन इस तरीके से मिलेंगी, लेकिन महंगाई इतनी है। हाँ ज़िंदगी जो है ना, अच्छा दिस इज़ व्हाट दिस इज़ प्लांटेन, प्लांटेन क्या होता है, केला होता है केला, और उसको लोग स्पाइस करके जो है ना वो उसमें बनाते हैं, यानी सेक लेते हैं इसको ना, प्लांटेन फ्लोरिश प्लांटेन, केले को तेल में डाल के सेक वेक के इस तरीके से बनाते हैं, इनके अलग ही मजे हैं। और इस तरीके से यहाँ आटा शाटा ये मिलता है, ये शूज़ भी हैं, ये हर चीज़ ये बिकेंगे प्लांटेन, और शुगर क्यूब्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी, और यहाँ काजू इस तरीके से बिकता है भाई, और ये फ्रूट, ये दूध के डब्बे यहाँ, अच्छा और यहाँ पे ओरिजिनल मिल्क नहीं भाई, ये है ना अफ्रीकन मामा, इन्होंने जो ना ये सजेस्ट किया है अभी, बोला कि ये आप ये वीट लो, ये ड्रिंक है, तो अभी बहरहाल ये ट्राई करते हैं, हमारे जो दोस्त हैं उनको तो बहुत पसंद आई, बोले अच्छी अच्छी ले लो, अभी बहरहाल ये ट्राई करते हैं। और ये मामा एटीएम है, और ये मामा उधर काम कर रही हैं, अभी वो बोल रही हैं कि मैं वीडियो में नहीं आना चाहती हूँ, कि जो है ना वो मैं भी खूबसूरत नहीं लग रही हूँ, तो वो कह रही हैं कि मैं वीडियो में नहीं आना चाहती हूँ, बट शी इज़ अ वेरी गुड लेडी, और ये हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी देती है, एंड यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी चीज़ ये कि चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर, तो बस हमने ये वीट ले लिया है। मामा एटलीस्ट से हेलो टू माई ऑडियंस, हेलो टू माई ऑडियंस, सो हम चलते हैं बाहर और मामा बीट के बाद, और ये ना अभी हमने इसको जो है वो, खैर नहीं भाई ये सब बातें होती रहेंगी, इसको पैसे नहीं दिए, पीछे से आवाज़ लगाएगी कि वाह मेरे पैसे, ना 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 IP67 है भाई दोनों फ़ोन, कुछ नहीं होगा आपके फ़ोन को, टेंशन नॉट, ये इन्होंने ना वो अपना बारबेक्यू सेटअप बनाने की कोशिश की होगी, बना नहीं साइड कर दिया, बट लेकिन जो है ना ये हम इंजॉय कर रहे हैं फिलहाल, तो बारिश की वजह से अब हम जा रहे हैं उधर, और ये बहुत अच्छा है भाई, मज़ा आया, ये आप लोग अगर कहीं से मिले तो आप लोग भी लें, ट्राई करें, मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो लाइफ यहाँ पे अच्छा ये क्या है अफ्रीका में क्या होता है कि मैं आपको छोटी सी चीज़ से क्लियर करना चाहता हूँ, अफ्रीका में क्या है दो साइड्स हैं, ये जो मैंने अपने व्लॉग्स में जितनी भी कोशिश की है मैंने जो है वो राइट साइड दिखाने की कोशिश की है कि विच इज़ द राइट साइड, क्योंकि हर मुल्क में हर कंट्री में इस तरह के सीन होते हैं कि एक बहुत डार्क साइड होता है और एक बहुत अच्छा साइड होता है, तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं सारे अच्छे साइड्स आपको दिखा सकूं, उसका रीज़न ये है कि मैं ये चाहता हूं कि डेफ़िनेटली जो लोग टूरिस्ट हैं खास तौर पे वो इधर आएंगे तो जाहिर सी बात इन लोगों की टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ेगी और चीज़ें अच्छी अच्छी होंगी इन लोगों के लिए भी, गुर्बत यहाँ पर है, बेतहाशा है, हद से ज़्यादा है, और जैसे कि हम तो आजकल अपने मुल्क का भी हाल देख रहे हैं, हमारे मुल्क की भी हालात कुछ कम नहीं है, लेकिन गुर्बत यहाँ अच्छे से ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ इनकी बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्या बताऊँ यार, हंसते रहते हैं इन लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें कि यहाँ भी थोड़ा सा भी इनका म्यूज़िक या ऐसा कोई मामला स्टार्ट होता है तो दे स्टार्ट वेरी गुड डांसिंग, और ये यहाँ पर जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर ये मशीनरीज लगी हुई हैं, आप यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हो, बेंच लगी हुई है, और ये आपके इनर थाइस जो है उनके लिए है, ये आपके थाइस के लिए है, ये आपके लव एंगल्स के लिए है, और वो आपके लिए उसको थ्रेडमिल भी कह सकते हैं कि थ्रेडमिल है, और ये एक अजीब सी एक्सरसाइज है, मुझे पसंद नहीं आती लेकिन ये अच्छी है उसके लिए है, अपना स्टमक के लिए है, यानी कि अपने जो एप्स वगैरह हैं उसके लिए, और ये भी आपके लव एंगल्स के लिए है, और ये साइकिलिंग थी मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम जो बात कर रहे थे वो बात ये कर रहे थे कि जो है वो यहाँ पे टूरिस्ट को आना चाहिए, और स्विमिंग पूल भी है मगर ये हमेशा खाली रहता है, अगर ये भरा होता तो मैं ज़रूर इसमें जो है ना वो आपको डाइव शेप लगा के बता, ये भर रहा है बारिश के पानी से भरेगा बस, फिर ये खाली हो जाएगा ये चीज़। हाँ तो अब सिलसिला ऐसा था कि जो है ना डार्क साइड्स भी हैं और मैं चाहता हूँ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हो और दूसरी चीज़ें भी यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि हर मुल्क का एक डार्क साइड होता है, मैंने पहले बताया लोग आते हैं लैगोस तक, लेकिन वो क्या करते हैं कि लैगोस आके सिर्फ वो स्लम्स दिखाते हैं और वो अपनी
दिखा देंगे पानी के ऊपर जो है वो उन्होंने घर बनाए हैं, इन्होंने ये बनाया हुआ वो बनाया हुआ, लेकिन इनकी और भी साइट्स हैं जो आपको देखनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे तीन तरह के बड़े ट्राइब्स हैं। उन ट्राइब्स में योरोबा है, हाउसो है, इबो है। इनके अलग लैंग्वेज है और इनके अलग अलग ट्रेडिशनल इवेंट्स भी हैं। और यहाँ पे फिर एज ए मुस्लिम कंट्री है, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एज ए मुस्लिम नाकाबले बर्दाश्त हैं। तो मैंने यही प्लान किया कि मैं इनका सिर्फ राइट साइड दिखाऊँगा, डार्क साइड के लिए मैं अपनी कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क के लिए भी थोड़ा। प्लान मेरा ये था कि मैंने बोला कि जैसे हर मुल्क के अलग अलग डार्क साइड भी होते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं उस चीज़ को यहाँ पर ना दिखाऊँ। और असाइशी यहाँ पे सारी मौजूद हैं, लेकिन डिपेंड्स करता है कि आपके बजट के ऊपर। सेकंड चीज़ क्या है कि इस मुल्क में एज ए मुस्लिम कंट्री है, बट देयर आर सो मेनी डिफरेंट ट्राइब्स, लाइक 70+ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं यहाँ पर। सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पे तीन बड़े ट्राइब्स हैं, हाउसा, इबो एंड योरोबा। सो कल्चरल वाइज देखा जाए तो बहुत चीज़ें, मगर मैं मोस्टली लोगों को क्या बोलता हूँ, जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो लागोस तक आते हैं। लागोस आने के बाद वो क्या करते हैं, वो स्लम्स दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे इन्होंने जो है वो घर इस तरह बनाए हुए पानी के ऊपर, और उनकी सारी डार्क साइड दिखा के चले जाते हैं। यहाँ पे अच्छी साइड्स भी हैं जो आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेंगी, तो आप मेरे ब्लॉग्स देखो, आपको अच्छी साइड देखने को मिलेंगी। और जो लोग यहाँ पे एक्सप्लोरेशन के लिए आना चाहते हैं, मैं उनको कहूँगा कि वो डार्क साइड दिखाने के बजाय वो इससे विलेजेस में जाएँ जहाँ। तो अब सिलसिला ये है कि ट्रेडमिल भी कर सकते हैं हम, तो मैं ये बस ये बता रहा था कि इनके नेटिव साइट जाओ और इनके इनके कल्चर को दिखाओ, ये चीज़ें देखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। और पता है क्या, कि अगर हम डार्क साइड दिखाते रहेंगे तो तमाम यूट्यूबर से बोलूँगा कि फिर जो है, जैसे मैं था, मैं नहीं आता यहाँ पर फिर बाद में, मैं तो आ गया अपने काम की वजह से, तो मैं इसलिए हूँ। अगर मुझे वैसे मुझे बोलता यहाँ आने का तो फिर मैं नहीं आता, क्योंकि मैंने हमेशा यहाँ पर गलत साइड, गलत चीज़ें, गलत मामला देखे हुए थे। तो सारी आसाइशें हैं यहाँ पर, लेकिन आप, मैं बस ये कहूँगा कि तमाम यूट्यूबर्स से भी खास तौर पर, यार डार्क साइड दिखाने के बजाय पॉजिटिव साइड दिखाओ, के अच्छी चीज़ें दिखाओ, बस मेरा यही है। और इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं, बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास बहुत ज़्यादा है, मगर ये क्यों इसको यूटिलाइज़ नहीं करते ये मुझे नहीं पता, बट इंशाल्लाह सब कुछ ऐसा सेट होगा। और मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे नेटिव जो विलेजेस हैं उनके भी इंटरव्यूज लेके दिखाऊंगा, मैंने प्लान किया है, बस थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है। तो बस यही सब मैं कहूँगा, अभी मैंने दिखाया कि हम लोग फ्री एक्सरसाइज हैं, फ्री हैं, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अभी मजीद करनी है। मैं इंशाल्लाह आप ब्लॉग देखते रहें, मैं आपकी इनके नेटिव इन्वायरमेंट है ना, नेटिव इन्वायरमेंट, मैं वो भी कोशिश करूँगा कि मैं जाऊँ। थोड़ी सी सिक्योरिटी इशूज़ हर जगह होते हैं, हर जगह, यहाँ भी थोड़ी सी सिक्योरिटी इशूज़, मगर मैं कोशिश करूँगा कि मैं जाऊँ और लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। लेकिन अभी प्लान तो बस यही है कि बारिश को इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और हमारा ट्रेडमिल भी चल रहा है। तो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मेरा प्लान ये है कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि तो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि यार वीज़े के प्रोसेस और ये और वो, आजकल आपको पता है हर बंदा पाकिस्तान से भागने के चक्कर में लगा हुआ है, तो ये चीज़ें पूछ रहा है, मैं एक क्लियर वीडियो बनाऊँगा इसके लिए नेक्स्ट। तो मज़ीद वो भी देखते रहें। और नाइजीरिया के बारे में, लागोस के बारे में ऑलमोस्ट मैंने सारी जगह घूम ली है, आपने चैनल के ऊपर देख लिया होगा पहले से ही, मैं मज़ीद एक्सप्लोरेशन करूँगा। तो बस भाई यही प्लान है, मैंने सोचा कि अपनी एक्सरसाइज भी होती रही, और आपसे मैं बहुत दिन हो गए थे, काफ़ी दिनों से वीडियो मेरा आ नहीं रहा था, क्योंकि शारजा और दुबई की सीरीज़ के बाद से जो है वो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था बनाने का। तो लेकिन इंशाल्लाह बनाएंगे। और मैं अफ्रीका के बारे में, इनकी लैंग्वेज के बारे में, इनके नेटिव इन्वायरमेंट के बारे में मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो बस यही है, और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम ये करते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ अपना घर, कि मैं कहाँ पर रह रहा हूँ और किस तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट है, क्या चीज़ें हैं वो दिखाएंगे, और फिर इस ब्लॉग को करेंगे इख्तिताम। तो देखते रहिए मेरे नाइजीरिया के ब्लॉग, और मज़ीद अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, और बेल आइकन तो आपको पता है दबाना ही पड़ता है, ज़रूरी है वो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, कीप वॉचिंग। तो यहाँ पर जो ना मुझे दो नाइजीरियन मिले, मैं उनसे बात करूँ। बाबा आपा लुक, जब मैं व्हेन आई से आफा सो दिस इज आई एम फाइन। सो व्हाट्स योर नेम? सिनी टोनी। एंड व्हाट्स योर नेम? ओला। ओला, ही इज ओला और ही इज टोमी। सो टोमी, व्हाई यू गाइस आर नॉट कमिंग इनटू रेन? आई सॉ मोस्टली टाइम दैट व्हेन द रेनिंग, व्हेन द रेन इज स्टार्ट, सो पीपल आर गोइंग इनटू होम, व्हाई? से लाउडली टू माय ऑडियंस ना, से समथिंग। या वो किंग है, they are working here, that's why they are here, this is the reason.
if you are not working here, so you will not go out in the rain. Yeah. Why? Reason? So why? Why? Say. It's because of the flood of the water in the estate. That's why we used to come out of the pond when the rain started. That's why we used to clean the rain. But he said when rain started, the water is flowed, so we don't like mostly because there is too much rain. This is the reason. Mostly they are raining daily, day by day. That's why. So, Ola, thank you so much. Hawa, thank you so much. So, ye the bhai do Nigerian jinse maine abhi jo hai wo plan kiya ki video bana ke inse baat karunga. Aur yahan pe hello. So, the most important thing what? They are greeting every time they greet. Wherever you meet to anyone, so they say hello, hi, good evening, good afternoon. The one of the most beautiful thing in the Nigeria. I love that. They always greeting, even they know you, even they don't know you, even they do the same with each other. They respect each other, they love each other, and they love to be happy. यहाँ भी बाइक चलती है भाई, यहाँ भी बाइक चलती है। कुछ नहीं करें बॉस, बस enjoy. और हमारे पास फिलहाल कोई ऑप्शन है नहीं, only enjoy. और यहाँ भी ऑटो चलते हैं भाई। ना 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 ना, इट्स ओके, थैंक यू ओला। वाह, सिंपल। आई टोल्ड यू बिफोर, दे रिस्पेक्ट, वेरी रिस्पेक्टिव। सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अपने घर की जानिब, और ये है हमारा छोटा सा घर। तो ये है भाई मेरा छोटा सा घर जो मैंने आपको दिखाना था। मैंने कहा था घर तक पहुंचेंगे तो फिर उसके बाद फिर आपसे मज़ीद बात करेंगे। तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो एनी थिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग अबाउट टू माई दिस जर्नी लाइक नाइजीरिया लागोस जर्नी, सो यू कैन कमेंट्स। और इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग तो जस्ट कमेंट्स। Everything is fine for me. So I hope you guys are enjoying my this vlog and this journey. And मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू बोल के ब्लॉग बनाऊँ, कोशिश मेरी पूरी यही है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग हैं ऐसे जो मेरे अभी नए नए सब्सक्राइबर बन रहे हैं, तो उनका मुझे ये कहना था, उनका भी ये कहना था कि यार आप कोशिश करें कि थोड़ा सा इंग्लिश में बोलें कि हम थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में समझ सकें, क्योंकि नाउ आई एम डूइंग द इंटरनेशनल व्लॉग्स लाइक मेक डिफरेंट कंट्रीज, सो पीपल मोस्टली नोज द इंग्लिश। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नाउ आई नो अ लिटिल बिट इंग्लिश, आई कैन से अ लिटिल बिट इंग्लिश, बट यू नो दैट इज़ फाइन फॉर मी एंड एवरीथिंग इज़ वेरी 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 फाइन। So thank you so much for watching my vlogs once again. Hello, hi, and bye bye. Tata.